नमस्कार दोस्तों, विंग्स फ्लाई हाई में आपका दोबारा स्वागत है। तो दोस्तों, हम पिछले एपिसोड में हमने पार्ट वन के अंदर 50 क्वेश्चन किए थे हमने इतिहास के। अभी अपने 50 क्वेश्चन और करेंगे पार्ट टू के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं 51 से। क्वेश्चन नंबर 51, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसहार किस वर्ष में हुआ था? वो हुआ था 1913 में। चौसा का युद्ध किस किन के बीच लड़ा गया था? वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सापदलच्छ, ये चौहानों का मूल स्थान है जहाँ से आए थे। क्वेश्चन नंबर 54, जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वह थे जमना लाल बजाज। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? राम सिंह द्वितीय। जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा। डाक्कन प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? महाराणा स्वरूप सिंह ने। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। ताम्र युग की सभ्यता से संबद्ध पुरानी नगरी ताम्रतुर्ति धूलकोट के अवशेष किस नगर में मिले हैं? वो सब उदयपुर में मिले हैं। दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच हुई लड़ाई के कारण प्रसिद्ध है, तुंगा। तुंगा में राजपूतों और मराठों के बीच में लड़ाई हुई थी। धर्मत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? वे थे साहब जसवंत सिंह और औरंगजेब। इनके बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। निमोचामिने को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? वह अलवर किसान आंदोलन। नीमू चाणम को किस किसान आंदोलन के संदर्भ में याद किया जाता है? वह अलवर किसान आंदोलन। दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। पन्ना दाई ने जिसके जीवन को बचाया वह था उदय सिंह। पन्ना दाई ने पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? वे बागोर के सभ्यता से। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमश किन जिलों में स्थित है? भीलवाड़ा और पाले में है, यानी आपका बागोर भीलवाड़ा में है और नाडोल पाले में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? वह थी कपूरी देवी। पृथ्वीराज सिंह चौहान की माता का नाम कपूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमाद्री देव। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? दो। पृथ्वीराज तृतीय यानी तीसरे और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने लड़े गए थे युद्ध? दो लड़े गए थे। दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित थे? शाकाम्बरी। पृथ्वीराज तृतीय किस चौहान वंश से संबंधित था? शाकाम्बरी। ये उदयपुर वाटी में शाकाम्बरी का मंदिर भी है दोस्तों, निर्वाण चौहानों का एक ही वंश के हैं निर्वाण और चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था जलालुद्दीन। प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की गई? जयपुर में स्टार्ट हुआ था ये प्रजामंडल का सिस्टम। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है कालीबंगा। बसंतगढ़ शिला लेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया है? राजस्थानीय द्वितीय। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? भीलवाड़ा। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? राव बिका। बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है बीजक पहाड़ी के नाम से। बीजक पहाड़ी बोलते हैं उसको साहब, जहाँ पे
बौद्ध बराड़ स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, बौद्ध धर्म के। बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? बराड़ से। ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1887 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? वह प्रिंस अल्बर्ट। अल्बर्ट प्रिंस अल्बर्ट जब आए थे उनके स्वागत के लिए जयपुर शहर को पिंक सिटी में तब्दील किया गया था। भगत आंदोलन संबंधित है गोविंद गिरी से। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वृद्धन मान विद्यालय जयपुर के पुरस्कार इसकी स्थापना के उद्देश्य थे अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 82, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 83, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? धौलपुर का। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत जी। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था, ये किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य की। महारानी प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का नाम क्या था? वह था साहब हकीम खां सूरी। इनके एक वे वफादार सेनापति थे महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार। महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान का को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? वह चावंड को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। 1585 में महाराणा प्रताप की राजधानी थी चावंड में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर। जैसलमेर को पहले मांड बोलते थे साहब। मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? मोटा राजा उदय सिंह ने। मालदेव और शेर शाह के मध्य युग के स्थल पर लड़ा गया? सुमेल में। मालवों के शासक महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में बनाया गया विजय स्तंभ। मूणोत नैन सिंह किस राजा का मंत्री था? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? अमर सिंह जी ने। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई? वह भी थी महाराणा अमर सिंह 1615 ईस्वी में। मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राज समुंदर का निर्माण हुआ था वह थे महाराणा राज सिंह प्रथम। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक की आंदोलन का आरंभ किया गया चित्तौड़गढ़ से। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? जयपुर में। राजपूताना की रियासतों ने 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस क्रम में संधि पर हस्ताक्षर किए। वैथिक करौली कोटा जोधपुर उदयपुर के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आज के सेकंड वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कर दिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है इसका जो कंटिन्यूएशन है वीडियो नंबर 3 आप अवश्य देखिएगा। इतिहास के 150 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। तो दोस्तों जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।